हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित चंद्रा आप लोग के सामने आज ओलंपिक के बारे में बात करूंगा। मैं ओलंपिक के बारे में बारीकी से हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं बात करूंगा ओलंपिक्स के बारे में, मैं आज बात करूंगा पैरालंपिक्स के बारे में, साथ ही साथ मैं आज बात करूंगा यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में। शुरुआत में 776 BC में एंशेंट ओलंपिक खेली जाती थी। उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें हुए जिनके कारण उनको मॉडर्नाइज किया गया और मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। जिनके पीछे जो चेहरे हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या मोटो था ओलंपिक्स का, जो फ्लैग है ओलंपिक्स के उसके पीछे का इतिहास क्या है। आज हम साथ ही साथ जानेंगे कि ओलंपिक में जो मशाल जलाए जाते हैं उसके पीछे का इतिहास क्या है, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं और कौन कौन से ऐसे खेल थे जो ओलंपिक से जुड़े पर अभी प्रेजेंट में वो खेल नहीं खेले जाते हैं। मैं बात करूंगा उन सारे खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं हर वो चीज़ों के बारे में आपको जरूर बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ओलंपिक का, कौन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन संस्था है जो जिसके कंट्रोल में ओलंपिक है। तो चलिए बात करते हैं एंशेंट ओलंपिक के बारे में। एंशेंट ओलंपिक की शुरुआत हुई 776 BC में। ये 4 सालों में एक बार खेले जाने वाला खेल था जिसे लोग ओलंपियाड से जानते थे। लोगों का ऐसा मान्यता था कि ये 293 AD तक चलेगी। इसमें बहुत सारे खेल खेले जाते थे, जैसे कि सबसे पहला खेल इसमें खेले जाने वाला 200 yard dash जिसे लोग स्टेडियम से जानते थे। दूसरा जो खेल इसमें जुड़ा उसका नाम था 2 stadia race जो कि 724 BC में जुड़ी। उसके बाद पेंथलॉन नाम की इवेंट जुड़ी जिसमें 5 खेल खेले जाते थे, रनिंग, रेसलिंग, लिपिंग, थ्रोइंग द डिस्कस एंड हर्डिंग द जैवलिन। तो चलिए बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में बात करने से पहले कुछ जान लेते हैं कि एंशेंट ओलंपिक्स से जो रिवाइव हुई मॉडर्न ओलंपिक्स में उनके पीछे के चेहरों के बारे में। पेरी फ्रेडी एंड बैरन डी कुबर्टिन, ये लोग फ्रेंच एडुकेटर थे और इन्होंने IOC का संगठन किया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कारण जो पहला ओलंपिक खेला गया वो सन 1896 में खेला गया एथेंस में, जिनके स्वरूप 14 कंट्रियां जुड़ी और 241 खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी ली। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड ओलंपिक के बारे में। ये सन 1900 में खेला गया और ये पहला ऐसा ओलंपिक था जिसमें महिलाओं का योगदान हुआ। इसमें महिलाएं भी खेली और उनके लिए 2 इवेंट था, गोल्फ और लॉन टेनिस। अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। इसकी शुरुआत हुई 1924 में, पेरिस में इसकी शुरुआत हुई और ये हर ओलंपिक्स के 2 साल बाद खेला जाता है। बात करते हैं कि ओलंपिक्स की कंट्रोल किसके पास होती है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और IFS इंटरनेशनल फेडरेशन, जिसमें FIFA, COGS और NOCs का मुख्य योगदान होता है। तो बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग्स के बारे में। इसमें जो 5 रिंग आपको दिखती होगी, ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ओशिनिया एंड यूरोप। ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, इसलिए उजले कलर के फ्लैग में 5 रिंग होती है। अब बात करते हैं ओलंपिक के पीछे के मोटो के बारे में। ये 3 वर्ड है लैटिन एक्सप्रेशन में, अगर आप देखें CTS, LTS, FORTIUS। इस तीनों शब्द का मतलब अंग्रेजी में फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये वर्ड जो है, ये तीनों वर्ड कुबर्टिन जी के द्वारा दिया गया था, जिसको ऑफिशियली अनाउंस 1924 में किया गया। तो चलिए बात करते हैं ये कुबर्टिन जी जो थे इनके सोच के बारे में। इनका सोच था कि किसी भी खेल में जीतना महत्व नहीं रखता, उसमें भाग लेना महत्व रखता है। अगर हम किसी भी खेल में भाग लेते हैं और बहुत ही मेहनत से एक मुकाम तक पहुंचते हैं, भले ही हमें कोई पदक ना मिले, पर उससे ज़्यादा सम्मानजनक बात और कुछ नहीं हो सकती।
ठीक उसी तरह मुझे इस बात से नरेंद्र मोदी जी की याद आ गई, जिन्होंने सारे प्लेयर को सम्मान दिया जो कि ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में पार्ट लिए और किसी कारणवश वो नहीं मेडल जीत पाए, उन्हें भी सम्मान दिया। क्योंकि विश्व और भारत तो हर वो खिलाड़ी को पूछ रहा है जिन्होंने पदक जीता, पर जो नहीं जीते किसी भी कारणवश उनका भी सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए बात करते हैं ओलंपिक में जो मशाल जलाई जाती है उनके बारे में। 1928 में ओलंपिक में पहली बार मशाल जलाया गया और जो कि पूरी ओलंपिक में जलती रही। उसके बाद ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत 1936 में हुई, जिसे लाइटिंग ऑफ कॉल्ड्रोन की परंपरा निभाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं ओलंपिक में मिलने वाले पदकों के बारे में। ओलंपिक में 1896 में जो भी देश के खिलाड़ी जीतते थे उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा जाता था, लेकिन उनसे तीन मेडलों का गठन हुआ, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जो कि 1912 तक चला। और उसके बाद बढ़ते हुए सोने के दाम को देखते हुए सिल्वर मेडल में बस गोल्ड का प्लेट लगा दिया जाता है और फिर गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो ये इतिहास रहा है मेडल और पदकों का जो कि ओलंपिक्स में मिलते हैं। चलिए बात करते हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बारे में। 1900 में पेरिस में पहली बार महिलाओं को खेलने का मौका दिया गया और 1992 तक 35 देश ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं को अनुमति नहीं दी थी कि वो ओलंपिक में खेल सके, पर 2010 तक बस तीन कंट्री ऐसी थी जिन्होंने अभी भी अनुमति नहीं दी थी महिलाओं को कि वो खेल सकें। पर 2012 के ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ कि सारी महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी मिली और सारे इवेंट में खेलने का मौका दिया गया। तो चलिए बात करते हैं होस्ट नेशंस और उनके सिटीज के बारे में। 2016 तक अगर आप देखें तो मोस्टली 44 सिटीज जो है अभी तक ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है, मोस्टली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन की कंट्रीज रहे हैं। टोटल 24 कंट्री ने आज तक ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ने 4 समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ग्रीस जैसी कंट्री ने 2-2 बार ओलंपिक्स का आयोजन किया है। साथ ही साथ लंदन 3 बारी समर गेम्स और ऑर्गेनाइज किया है और लॉस एंजलिस, पेरिस एंड एथेंस 2-2 बार ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया है। चलिए आप बात करते हैं उन खेलों के बारे में जो कि पहले खेले जाते थे और अब नहीं खेले जाते। जैसे टग ऑफ वॉर एक एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है। अभी आप लोग देखते होंगे टग ऑफ वॉर खेलते हुए किसी को, तो आपको लगता होगा ये बच्चों का खेल है, लेकिन आपको बता दें कि ये खेल पहले ओलंपिक में भी खेला जाता था। चलिए आप बात करते हैं कि जो भी सम्मान या पदक के तौर पे किसी कंट्रीज या किसी खिलाड़ी को मिलता है और उसके बाद वो छीन लिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 1967 में, जो पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऐसा रेगुलेशन बनाया गया जिसमें किसी को भी बैन कर दिया जा सकता है। हैंस गुन्नर लिजेनवाल ऐसे पहले खिलाड़ी थे स्वीडन के जिन्हें इनका सामना करना पड़ा और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मतलब जो कंट्री को एक बार पदक मिल चुका है या फिर जो भी खिलाड़ी को पदक मिल चुका है उसे वापस लेने का भी प्रावधान ओलंपिक में जोड़ा गया। तो चलिए आप बात करते हैं जो समर ओलंपिक्स हुआ 1896 से लेके 2021 जो टोक्यो ओलंपिक अभी खत्म हुई है, उसमें कौन कौन से पदक और कितने कितने पदक किस देश के द्वारा जीते गए हैं और विश्व में नंबर 1 से 10 तक कौन कौन सा देश आता है। सबसे पहला यूएसए, 2016 तक 25,202 मेडल यूएसए के द्वारा जीता गया, जिसमें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 113 मेडल जीत के पहले स्थान पे यूएसए रही थी। रशिया 1,865 मेडल जीत के वो सेकेंड नंबर पे आती है। तीसरा बात करते हैं जर्मनी की, 1,681 मेडल 2016 तक और इस बार 37 मेडल ही जीत पाई, तो तीसरे स्थान पे अभी भी विश्व भर में जर्मनी है। चौथे स्थान पे यूके, जिन्हें 847 मेडल 2016 तक प्राप्त हुआ था और इस बार 65 मेडल जीत के चौथे स्थान पर वही हैं। पांचवें स्थान पर फ्रांस, 713 मेडल जीती थी और इस ओलंपिक में 33 मेडल जीत के पांचवें स्थान पर फ्रांस है। छठे स्थान पर इटली, जिन्होंने 577 मेडल 2016 तक जीती थी
और 40 मेडल इस बार जीता, तो उनका स्थान एक स्थान नीचे हो गया चाइना से, क्योंकि चाइना ने 543 मेडल 2016 तक जीता था और इस बार 88 मेडल जीत के सेकेंड स्थान पर बनी हुई थी। और चाइना की बढ़कत देख के तो मुझे लगता है कि भारत को उसे सीखना चाहिए। जिस देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद वो देश इतना काबिलियत और इतना डेवलप्ड क्यों है? मुझे पता है कि चाइना के नाम सुनते ही अलग सी उबाल आ जाती है, पर भारत में चले जाएं, हर माता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो अच्छे होते हैं उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, जो बूढ़े होते हैं उनसे भी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, आठवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, 497 मेडल पहले था और 46 अभी जीता है 2020 के ओलंपिक्स में। स्वीडन 9वें स्थान पर 494 मेडल और प्लस अभी बस 9 ही मेडल जीत पाया, तो उसका भी स्थान 9 से 10वें नंबर पे चला गया। और हंगरी 491 मेडल और इस बार 20 मेडल, तो वो 9वें स्थान पे पहुंच गया। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 में आती हैं 1896 से लेके 2020 के ओलंपिक्स तक। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे प्लेयरों के बारे में जिन्होंने इतिहास रच दिया है। उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 ओलंपिक एक प्लेयर को कम से कम 5 मेडल तो जीतने ही पड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल फेल्प्स के बारे में। ये यूएसए के बहुत ही बेहतरीन स्विमर हैं। इन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 28 पदक हासिल किया है। कोई कोई छोटी कंट्री तो ऐसी होती हैं जिनके पूरे ओलंपिक में भी मिला दिया जाए तो 28 पदक नहीं आया है, और यहाँ यूएसए के माइकल फेल्प्स जो हैं उन्होंने अकेले ही 28 पदक हासिल किया। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरे सबसे बेहतरीन प्लेयर के बारे में, लरिसा लेतनिना, जो कि सोवियत यूनियन की प्लेयर हैं। ये जिम्नास्ट हैं। इन्होंने 9 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोटल 18 मेडल जीता है। अब मैं बात करूंगा तीसरे प्लेयर के बारे में, निकोलाई एंड्रियानोव। ये भी सोवियत यूनियन के जिम्नास्ट हैं। इन्होंने भी 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोटल 15 मेडल जीता है। अब मैं बात करूंगा बोरिस सैखलिन के बारे में। ये भी सोवियत यूनियन के जिम्नास्ट हैं। इन्होंने भी 7 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनका टोटल मेडल हुआ 13। अब बात करूंगा एडोआर्डो मैंगियारोटी। ये इटली के प्लेयर हैं। ये फेंसिंग गेम में पार्ट लिया था इन्होंने और इन्होंने 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 13 मेडल हासिल किया है। अब मैं बात करूंगा तकाशी ओनो के बारे में। ये जापान के जिम्नास्ट हैं। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इनका भी ओवरऑल सम 13 मेडल है। अब मैं बात करूंगा पाओ नुर्मी के बारे में। ये फिनलैंड के एथलीट्स हैं। इन्होंने एथलेटिक्स में 9 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल जीत के टोटल 12 पदक जीते हैं। बिरगित फिस्चर के, ये जर्मनी के कैनोइंग गेम खेलने वाले प्लेयर हैं। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल और 4 सिल्वर मेडल जीत के टोटल 12 मेडल हासिल किया है। अब मैं बात करूंगा सेवाओ काटो के बारे में। ये जापान के जिम्नास्ट हैं। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोटल 12 पदक हासिल किया है। अब जो 10वें नंबर पे आते हैं, जेनी थॉमसन। ये यूएसए की स्विमर हैं। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत के टोटल 12 पदक हासिल किया है। तो ये रहे टॉप 10 ओलंपिक्स के प्लेयर जिन्होंने अच्छे पदक जीत के विश्व भर में अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया है। अब मैं बात करूंगा भारत के बारे में। भारत में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने भारत को पदक दिलाया। सबसे पहले बात करता हूँ 1900 में हुए ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें ये ओलंपिक पेरिस में हुई थी और इसमें नॉर्मन प्रिचार्ड जो कि एथलीट्स थे उन्होंने एथलेटिक्स में 200 मीटर रेस में सिल्वर पदक हासिल किया था और साथ ही साथ उन्होंने उसी ओलंपिक में 200 मीटर हर्डल रेस में भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत से एक ही ओलंपिक में दो दो पदक हासिल किया। उसके बाद बात करता हूँ केडी जाधव के बारे में। इन्होंने रेसलिंग फ्री स्टाइल में 1952 में हो रहे हेलसिंकी में जो ये ओलंपिक हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अब मैं बात करता हूँ लैंडर पेस के बारे में। ये टेनिस के खिलाड़ी थे। इन्होंने 1996 में एटलांटा में हो रहे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अब 5वें नंबर पर मैं बात करूंगा कर्णम मलेश्वरी के बारे में। ये वेट लिफ्टिंग में 69 kg वेट में जो ओलंपिक 2000 सिडनी में हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
अब मैं बात करूंगा आरएस राठौर के बारे में। ये जो है शूटिंग में इन्होंने डबल ट्रैप में 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हो रही थी उसमें सिल्वर पदक हासिल किया। अब मैं बात करूंगा अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। ये जो है इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में हो रहे ओलंपिक जो कि बीजिंग में हो रही थी उसमें गोल्ड पदक हासिल किया। ये ऐसे पहले खिलाड़ी रहे किसी सिंगल प्लेयर इवेंट में गोल्ड हासिल किया। तो आप लोग तो इनका नाम जानते ही होंगे। अब मैं बात करता हूँ आठवें नंबर पे विजेंद्र सिंह, जो कि बॉक्सिंग में 2008 में हो रहे ओलंपिक में जो कि बीजिंग में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। उसके बाद मैं बात करूंगा सुशील कुमार के बारे में, जो कि रेसलिंग में ही उन्होंने 2008 के ओलंपिक में जो कि बीजिंग में हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं बात करूंगा अब दसवें नंबर पे, फिर से उन्होंने रेसलिंग में पदक हासिल किया 2012 के लंदन में हो रहे ओलंपिक में और फिर उन्हें सिल्वर पदक हासिल हुई। ये ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में पदक हासिल किया, पहले में ब्रॉन्ज और दूसरे में सिल्वर। ग्यारहवें नंबर पे विजय कुमार जी की, जिन्होंने शूटिंग में 2012 में हो रहे ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। बारहवें नंबर पे गगन नारंग, इन्होंने शूटिंग में 2012 लंदन में हो रहे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तेरहवें नंबर पे आती हैं साइना नेहवाल जी, जिन्होंने बैडमिंटन में 2012 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैरी कॉम, इन्होंने भी बॉक्सिंग में 2012 के हो रहे ओलंपिक्स में लंदन में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। जोगेश्वर दत्त, इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर पदक हासिल किया 2012 के ओलंपिक्स में। अब बात करेंगे हम रियो ओलंपिक्स के बारे में। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु जी ने बैडमिंटन में सिल्वर पदक हासिल किया और साक्षी मलिक जी ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। 2016 के ओलंपिक में भारत दो ही पदक जीत पाया था। उसके बाद 2020 में ओलंपिक ना होकर 2021 में हुई जो कि टोक्यो में, और टोक्यो में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का। भारत के रिकॉर्ड में आज तक भारत ने 7 पदक कभी हासिल नहीं किया था, यह पहली बार था जब भारत ने 7 पदक हासिल किया। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। नीरज चोपड़ा जी ने पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में वुमेन्स में 49 केजी में सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके साथ साथ रवि कुमार दहिया जी ने 57 केजी रेसलिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्हीं के साथ साथ बजरंग पुनिया जी ने रेसलिंग में 65 केजी में खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब बात करते हैं पीवी सिंधु जी के बारे में, इन्होंने वुमेन सिंगल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और ये लगातार दूसरी बार पदक हासिल किया इन्होंने। इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया था और इस बार ब्रॉन्ज, तो इन्होंने भी एक बैडमिंटन में नया रिकॉर्ड हासिल किया भारत की तरफ से। लवलीना बोरगोहेन के बारे में बात करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वेल्टर वेट बॉक्सिंग में। और अब बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम के बारे में, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया मेन्स हॉकी टीम ने। ये 41 साल बाद पदक मिला है हॉकी टीम को। इसके पहले ध्यानचंद जी के वजह से और जो हॉकी में इंडिया की पहुंच थी, हम लोगों ने कितने ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिए, और ये फिर से 41 साल बाद हमें ब्रॉन्ज मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे हम फिर से गोल्ड जीतना शुरू करेंगे हॉकी में। तो ये रहा इंडियन प्लेयर का योगदान ओलंपिक्स में, ये रही बैलेंस शीट ओलंपिक्स में 1900 से लेके 2020 तक की। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में मैं ओलंपिक से रिलेटेड हर वो बात को कवर कर सकूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो देखते रहिए लग्जरियस इन्फॉर्मेशन, और पार्ट टू मैं जल्द लाऊंगा जिसमें मैं पूरे पैरालंपिक्स और यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करूंगा। तो देखते रहिए लग्जरियस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।